17वें कान फिल्म फेस्टिवल के चौथे दिन ऐश्वर्या राय जब लाल रंग के गाउन में रेड कार्पेट पर उतरी तो कोई भी उनसे नजरें नहीं हटा सका। वैसे तो माना जाता है कि सेलिब्रिटीज रेड कार्पेट पर लाल रंग की ड्रेस पहनकर नहीं उतर सकते, लेकिन ऐश्वर्या ने इस रूल की परवाह किए बगैर रेड कलर के गाउन में रेड कार्पेट पर एंट्री मारी और सबको चौंका दिया। रेड कलर का गाउन ऐश्वर्या पर खूब फब रहा था और वो किसी परी से कम नजर नहीं आ रही थी। ऐश्वर्या ने अपने बालों को थिक लुक दिया था, वहीं गाउन के साथ उन्होंने रूबी लगे हुए डायमंड इयररिंग्स पहने थे। ऐश ने गाउन के कलर से मेल खाते हुए गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई थी और आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन्हें हेवी आईलैशेस लुक दिए गए थे। आपको बता दें कि इस मौके पर अभिषेक और आराध्या भी ऐश्वर्या के साथ थे। आराध्या ऐश्वर्या को रेड कार्पेट तक छोड़ने आई और मीडिया को पोज भी दिया। इसके बाद वो कार में बैठकर मां का इंतजार करती रही। ऐश्वर्या ने शुक्रवार को पहले रेड कार्पेट एंट्री की। वो डिजाइनर माइकल सिंको के डिजाइन किए ब्लू कलर के ब्रोकेट बॉल गाउन में नजर आई। ऐश के इस ड्रेस की तारीफ अभिषेक ने भी की थी। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।